नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आजकल आप लोग के लिए हम रेलवे ग्रुप डी का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने पिछले भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो के आखिरी में आई बटन आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से एक सवाल किया था, वो आप लोगों को घर के से करके आनी थी। तो वो सवाल था, 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा आप लोगों को फाइंड करनी थी। इसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया था 100 जूल, 40 जूल, 0 जूल और 400 जूल। तो काफ़ी बच्चों ने उम्मीद है कि घर से कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया होगा उनको मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ती है वो पड़ती है फॉर्मूले की। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था और कई सारे फॉर्मूले बताए थे, तो मैं ये फॉर्मूला दोबारा से बता दूंगा आपको, अगर पिछले क्लास जिन्होंने नहीं लिया था। तो आपको बताऊँ कि इस क्वेश्चन के करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू जी, सॉरी, इसका फॉर्मूला था वी इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, तो हमारे को फाइंड क्या करना था वी, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है यू। यू कितना दिया हुआ है हमें, यू दिया हुआ है हमारे को प्रारंभिक वेग, जो दिया हुआ है यू जो होता है प्रारंभिक वेग होता है वो हमें दिया हुआ है कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा जी जो है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन में हमने आपको बता रखा था कि जी का मान 10 मीटर लेना है प्रति सेकेंड, तो हमारे को यू पता है, जी पता है, और टी जो है हमारे को दिया हुआ है जो कि कितने समय तक के बाद वेग पूछा गया था, तो वो था हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे को ये तीनों वैल्यू दी गई है, हमको सिंपल था इस पर अपना वैल्यू पुट करना है और ये इसका जवाब आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं, यू के जगह पे हमने यहाँ पे रख लिया 20, उसके बाद माइनस किए, उसके बाद हमारा जी का मान क्या था 10, और यहाँ पे जो आपका टी था वो कितना था 2। तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 20, तो ये क्या होगा 20 माइनस 20 इक्वल तो क्या हो गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 जूल आंसर हो जाएगा। ये था सवाल। तो आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूला, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो उसके लिए आपको इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो चलिए कुछ और अगला सवाल देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए अगला सवाल आ गया। देखिए, अगला सवाल है, एम मास के साथ चलती हुई किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या हो गया यदि उसकी गति को बी को बढ़ाकर 2b कर दिया जाए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको घुमा फिरा के पूछा गया। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का जो वेग है उसको बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सिंपल सा सवाल था और इसको आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा दिया गया है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है वो ई के दी गई है, तो ई के कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। नीचे आपके ऑप्शन है, तो इसको करना कैसे है ये अब मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको वही जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्मूले की। तो आप लोगों को पता होगा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ई इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। जिनको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस बार इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बढ़ाया गया है गति। अगले बार हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु का जो मास है वो दोगुना कर दिया गया है, यानी कि भार दोगुना कर दिया गया, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
ठीक है, जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आपको दिक्कत होगी। तो चलिए हमने सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं मास, आप सिंपल सा मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, जैसे आप 10 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप भी जो है उसको भी आप 10 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। तो पहले वाले में हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2, ठीक है, इनटू हम मास कितना लेते हैं 10, और यहाँ पे हम अपना भी जो है वो 10 ही रखते हैं, ठीक है। दूसरी फॉर्मूला दूसरी तरफ लिख लेते हैं, यहाँ भी हम करते हैं 1/2 इंटू मास कितना रखते हैं 10, और यहाँ पे जो हम बेग रहते हैं उसको हम कितना कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, यानी कितना कर लेंगे 20। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, एम भी स्क्वायर था और यहाँ पे भी स्क्वायर था। अब आप यहाँ सिंपल से देखिए, ये काट दिया हमने, यहाँ पे आ गया 5। अगर हम यहाँ भी काटते हैं तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये दोनों तो वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आता है 10 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ये 100 और 400 में कितना का फर्क है, यानी कि ये कितना हो जा रहा है 4 गुना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 गुना। ये इस तरह से करते हैं। इस बार आपको मास बढ़ाए, इस बार आपको बेग बढ़ाने के लिए कहा गया, अगली बार मास बढ़ा के क्वेश्चन आया था, तो ये सवाल ऐसे ही आता रहता है। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिएगा, जो कि हमने बताया काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू में एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पिछले वीडियो में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा तो उनको दोबारा बता देते हो। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE = पोटेंशियल यानी कि स्थित ऊर्जा MgH। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है और विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये ओम के लॉ के वजह से होता है। तो इसका जवाब भी वही दे पाएंगे जिनको कि ओम का लॉ पता होगा। तो अगर जिनको नहीं पता होगा वो इनका जवाब नहीं दे। इसका देखिए ओम का लॉ क्या होता है, ओम का लॉ होता है V = IR, ठीक है। जिनको ये फॉर्मूला पता होगा वो इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस कंडीशन पे विद्युत धारा आधी हो सकती है, जब हमारा प्रतिरोध जो है वो आधी हो जाए, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध से डिवाइड करना पड़े। तो ये आप देखिए ओम का लॉ वाला, उसमें कौन सा ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला था जो इससे मैच करता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको मैच करता दिखेगा, ये दूसरे ऑप्शन। तो ये सही जवाब है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ फॉर्मूला का एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों के लिए मैं अगले क्लास में एक फॉर्मूला की वीडियो ला दूंगा। अगर आप लोगों के पास भी रेलवे ग्रुप डी का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप हमें भेज दीजिएगा वीडियो, या तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, इस पर आप लोग जो अपने क्वेश्चन है वो भेज दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में हो सके तो उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो अब अगली सवाल को हम देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल भी सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित सिंकल को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित है। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है उसको फोल्ड करके रखा गया था, अगर इसको हम अगर छोड़ेंगे तो ये कौन सा ऊर्जा में डिवाइडेड होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो
तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं आप लोग के लिए अगली वीडियो जो लाऊंगा वो बिल्कुल फॉर्मूला जितना चैप्टर वाइज लाऊंगा, जैसे कि विद्युत में कौन कौन सा फॉर्मूला है, आपका गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में कौन कौन सा फॉर्मूला है, इस तरह के पूरे फॉर्मूले का वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।